नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए आवश्यक ऑपरेशंस को करता है, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। अतः प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को होटल मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ऐसे ही होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्येक एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है। अतः यूज़र द्वारा स्पेसिफाई की गई सभी रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करता है। अतः ये किसी दूसरे यूज़र के वर्क प्लेस पर डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पहले यूज़र से जिसके लिए वह पर्टिकुलर कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है से भिन्न हो, तथा न्यू यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ये सॉफ्टवेयर फिट ना बैठता हो। नेक्स्ट है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी कार्य को करने के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसको कई यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रेलवे रिजर्वेशन, मेडिकल फीड, रिजल्ट्स ऑपरेशन, बिलिंग सॉफ्टवेयर ETC। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्ट्रेंथ तथा वीकनेसेस, या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ए कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि आज कंप्यूटर का उपयोग हर जगह हो रहा है, बैंकिंग, रेलवे, विद्युत बिलिंग, होटल, कॉलेज, डिफेंस, डिजाइनिंग आदि। लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर अपनी भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र में होने वाले कंप्यूटरीकरण के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड मानवीय स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। आधुनिक कंप्यूटर्स एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उच्च स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर को मेमोरी में बहुत कम स्पेस में बहुत अधिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, कंप्यूटर को थकान या बोर्डम नहीं होती है, वे ह्यूमन बीइंग्स से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। परिशुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर अत्यधिक एक्यूरेसी से कार्य कर सकते हैं। वर्सेलिटी, कंप्यूटर हरफन मौला होते हैं। हजार्डस एनवायरनमेंट, खतरनाक वातावरण जहाँ ह्यूमन बीइंग्स के लिए खतरा हो सकता है, कंप्यूटर इंस्टॉल करके काम लिया जा सकता है। कंप्यूटर्स ग्राफिक, ऑडियो, विजुअल आदि इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के इतने सारे लाभ होने के बावजूद कंप्यूटर्स की कुछ कमियां भी हैं, जैसे फर्स्ट है लैक ऑफ डिसीशन मेकिंग पावर। तो कंप्यूटर में ना तो डिसीशन लेने की क्षमता होती है, मतलब वो अपना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, उनमें जो है डिसीशन मेकिंग पावर नहीं होती है, तथा ना ही उनकी कोई अपनी IQ होती है। कंप्यूटर का काम लेने के लिए छोटे से छोटे स्टेप को भी उन्हें बताना पड़ता है। अतः मानव और कंप्यूटर में सबसे बड़ा पावर, मानव और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यही है, क्या है, मानव में जो ह्यूमन बीइंग में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। इंसान बुद्धिमत्ता होती है लेकिन कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होती। तो इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है, यही है, मानव छोटा भी छोटे मतलब मानव जो है अपनी बुद्धि रखता है, किंतु बड़े से बड़ा कंप्यूटर, मानव छोटे से छोटा
भी अपनी बुद्धि रखता है, और कंप्यूटर बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी आईक्यू और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखता। इसलिए प्रोग्राम्स के जरिए कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ती हैं, तथा वे कोई कार्य कर पाता कि डाटा ट्राइज स्टेटमेंट कोई कार्य कर पाता है। इसलिए इतनी सारी मतलब कंप्यूटर को हर प्रोग्राम्स के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, तभी ये कोई कार्य कर पाता है। इसलिए इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सीखनी पड़ती हैं। इन लैंग्वेजेस में डाटा टाइप्स स्टेटमेंट्स सिंटैक्स आप जब तक नहीं सीखेंगे जब तब तक ना तो आप प्रोग्राम लिख पाएंगे तथा ना ही आप ग्रामर उसका सिंटैक्स ग्रामर अर्थात व्याकरण या उसका सिंटैक्स कहलाता है। इसलिए सीखने पड़ते हैं, क्योंकि आपने यदि प्रोग्राम लिखने में छोटी सी भी एरर कर दी तो कंपाइलर उसको नहीं समझ पाएगा और प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेप्स। जैसा कि आपने पढ़ा कि कंप्यूटर से कोई भी कार्य करने के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है तथा उसके लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। उस कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम लिखकर ही आप कंप्यूटर से कोई कार्य करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह होता है जिसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। तथा कंप्यूटर से कोई भी कार्य कराने के लिए जो निर्देश आप देते हैं उसका कंप्लीट सेट प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम द्वारा इनपुट्स को प्रोसेसिंग करके उनको आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अतः प्रोग्राम लिखने से पहले आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से इनपुट प्रोग्राम को देने हैं तथा कौन कौन से आउटपुट आपको लेने हैं। किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप उस प्रोग्राम द्वारा क्या क्या करवाना चाहते हैं। वास्तव में कंप्यूटर का इंटेलिजेंसी ज़ीरो है, अतः वे खुद कुछ भी नहीं सोच सकता। जो काम आप प्रोग्राम द्वारा कराना चाहते हैं उसको इंस्ट्रक्शन आप लिखते जाइए, और जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो वे वही काम होते जाएंगे। किंतु जो भी आप कराना चाहते हैं वे स्टेप चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, जब तक आप उसके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। उदाहरणतः यदि आप चाहते हैं कि उसका प्रोग्राम स्क्रीन पर कुछ टाइप कराए तो आपको प्रोग्राम में प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना होगा तथा इसके आगे प्रॉपर सिंटैक्स में वे लिखना होगा जो कि आप टाइप कराना चाहते हैं। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि उसका प्रोग्राम रन किए जाने पर कोई इनपुट मांगे तो इसके लिए भी आपको प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि इनपुट मांगो। आप कुछ कैलकुलेट कराना चाहते हो तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रोग्राम में लिखेंगे वे सब आपको कंप्यूटर करके देगा, ना उससे एक भी स्टेप ज़्यादा करेगा ना ही एक स्टेप कम। तो कोई कार्य कराने के लिए आपको ना केवल कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए बल्कि प्रॉब्लम जिसकी आप सॉल्व कराना चाहते हो उसकी जानकारी होनी चाहिए तथा ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं और आप कंप्यूटर से क्या क्या कराना चाहते हैं। अतः प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तथा एक अच्छा इफेक्टिव व एफिशिएंट प्रोग्राम को बनाने में प्रत्येक स्टेप का एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के मुख्य स्टेप्स निम्नलिखित हैं। क्रैक एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रोग्राम को बनाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप प्रॉब्लम को समझें कि आप प्रोग्राम से क्या करवाना चाहते हैं, चाहे प्रॉब्लम छोटी सी हो या फिर बहुत बड़ी। किंतु आपको वह प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। आपके दिमाग में प्रॉब्लम की पूरी पिक्चर स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर से क्या क्या स्टेप्स करवाना चाहते हैं, क्योंकि तभी आप उन स्टेप्स को करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख पाएंगे। देखिए कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, वे तो आपके लिए कई इंस्ट्रक्शंस को ज्यों का त्यों करता
चला जाएगा, वह तो आपके हुक्म का गुलाम है। अगर आप उसे कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो वह कुएं में भी कूद जाएगा। अतः यदि आपको ही प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तो आप कंप्यूटर से कुछ भी नहीं करवा पाएंगे। अतः सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को समझना। प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है कि क्या क्या इनपुट देने हैं तथा कौन कौन से आउटपुट प्राप्त करने हैं। सेकेंड आता है राइटिंग द स्टेप्स इन एल्गोरिथम फॉर्म एंड ड्राइंग द फ्लो चार्ट। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स को लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ए प्रेसेस स्टेप्स टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम इज नॉन एज एल्गोरिथम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विभिन्न स्टेप्स को चित्र के रूप में दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम एंड इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। ये हम कह सकते हैं कि ए फ्लो चार्ट इज ए विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा फ्लो ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम रिप्रेजेंटिंग द वेरियस स्टेप्स ऑपरेटिंग परफॉर्म एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम। यदि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तथा उसके लिए प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उसको ही एल्गोरिथम कहा जाता है। यदि एल्गोरिथम को पिक्चर या डायग्राम के रूप में व्यक्त किया जाए तो इसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। कोड द एल्गोरिथम। जबकि आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसको एनालाइज कर लिया है तथा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी स्टेप्स को क्रमबद्ध कर लिया है था एल्गोरिथम लिख ली है तो अब आप तैयार हैं किसी कंप्यूटर भाषा में उस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम लिखने को। एल्गोरिथम के विभिन्न स्टेप्स को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना ही कोडिंग कहलाता है। हम कह सकते हैं द ट्रांसलेशन ऑफ एल्गोरिथम टू अ कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड कोडिंग। द प्रोग्राम ऑब्टेंड इज कॉल्ड द सोर्स कोड। द कोडेड प्रोग्राम इज देन फेड इनटू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है कंपाइलिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को कंप्यूटर में फीड करने के बाद उसकी कंपाइलिंग की जाती है। कंपाइलिंग मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज में आप द्वारा जो प्रोग्राम लिखा गया है जिसको कि सोर्स कोड भी कहते हैं उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है तथा ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है तो उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। इसके लिए कुछ विशेष प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कंपाइलर्स कहा जाता था। कंपाइलर्स वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कंपाइलर्स वे प्रोग्राम होते हैं जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कंपाइलेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं आफ्टर द प्रोग्राम सोर्स कोड इज फेड इनटू द कंप्यूटर इट इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। फॉर कंपाइलेशन एप्रोप्रिएट कंपाइलर प्रोग्राम इज यूज्ड विच कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज टू द ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम को कंपाइल करते समय कंपाइलर ये भी चेक करता है कि आपका प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुरूप लिखा गया है तथा लैंग्वेज के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुरूप लिखा गया है तथा लैंग्वेज के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी ग्रामेटिकल रूल का उल्लंघन होता है या कोई स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं होती तो कंपाइल इंडिकेट कर देता है कि प्रोग्राम में एरर है। इन एरर्स को कंपाइल टाइम एरर्स कहते हैं ताकि प्रोग्राम को इनको इनपुट करना ज़रूरी होता है तथा तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। एरर्स को ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। एरर्स पर विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी।
एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इस फेज को रन टाइम कहा जाता है, तथा इस दौरान प्रोग्राम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होता है तथा आपको आउटपुट प्राप्त हो जाती है। उपयोग पर वर्णित सभी स्टेप्स को ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए तथा चेक करते रहना चाहिए कि किसी भी स्टेप में कोई एरर ना हो जाए। एरर होने पर आपको वांछित रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएंगे तथा आपको प्रोग्राम लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एरर्स किसी भी स्टेज में होना संभव है। एल्गोरिथम लिखने में, कोडिंग में, कंपाइलिंग के समय रिपोर्ट किए गए एरर्स इत्यादि। अतः प्रोग्राम लिखने के लिए सभी स्टेप्स में प्रोग्रामर को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।